आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और संसद सदस्य मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संविधान और नागरिक कर्तव्य, देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या है, इसे लेकर निरंतर जागरूकता की जरूरत है और मीडिया इस तरह की जागरूकता के लिए प्रभावी माध्यम है और संसद टीवी इस तरह के प्रोग्राम लेकर आ रही है। इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे युवाओं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी। आप भी सुनिए इस मौके पर पीएम मोदी का ये संबोधन। साथियों, एक और महत्वपूर्ण विषय जो हम अमृत महोत्सव में उठा सकते हैं वो है हमारा संविधान और नागरिक कर्तव्य। देश के नागरिकों के कर्तव्य क्या है, इसे लेकर निरंतर जागरूकता की जरूरत है और मीडिया इस जागरूकता के लिए एक प्रभावी माध्यम है। मुझे बताया गया है कि संसद टीवी इस तरह के कई प्रोग्राम लेकर आ रहा है। इन प्रोग्राम से हमारे युवाओं, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, उनकी कार्यप्रणाली के साथ ही नागरिक कर्तव्यों के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह वर्किंग कमेटियां, लेजिस्लेटिव वर्क के महत्व और विधानसभाओं के कामकाज के बारे में ऐसी बहुत सी जानकारी मिलेगी जो भारत के लोकतंत्र को गहराई से समझने में मदद करेगी। मुझे उम्मीद है संसद टीवी में जमीनी लोकतंत्र के रूप में काम करने वाली पंचायतों पर भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। ये प्रोग्राम्स भारत के लोकतंत्र को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नई चेतना देंगे। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।